फतेहाबाद में काला दिवस मनाने पर किसान नेता को पुलिस ने किया नजरबंद। काले झंडे घरों पर लगाकर जताया विरोध। किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने के बाद किसानों द्वारा मनाया जा रहा था काला दिवस। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राजेश शर्मा को समझा बुझा कर किया शांत। जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे किसान नेता। आगरा के फतेहाबाद का मामला, माननीय टिकैत साहब के राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोगों ने जो 26 मई को काला दिवस मनाने के रूप में हम लोगों को जो आदेश प्राप्त हुआ था, उस आदेश के तहत हम लोगों ने आज काला दिवस मना रहे थे। उसी समय सुबह ही फतेहाबाद SHO भारी पुलिस वार्ता के साथ में यहां पर आके हम लोगों को अरेस्ट किया है और यहां पर आकर के हमने नज़रबंद किया है उन्होंने। लेकिन फिर भी हमारे जवान किसानों ने युवाओं ने फतेहाबाद और शमशाबाद रोड पर काले झंडे दिखा करके अपनी जहाँमाजी का परिचय दिया है और जिससे पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा रहा है कि कभी यहाँ हमारे यहाँ और कभी चौराहों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा जिससे कि वहाँ काले झंडों को रोका जा सके। लेकिन किसानों के पुत्रों ने आज भी काले झंडे दिखाने में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं और मैं पुलिस प्रशासन को आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया है, जब तक टिकैत साहब राकेश टिकैत जी का जो आदेश होगा वो हमारे सर्वोधार है। वो जब जब भी हमें जिस तरीके का आदेश करेंगे, किसान पूरी तरह उनके साथ रहेगा और पूरी तरह उनके आदेश को मानेगा। आप यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और हम लोगों को यहाँ पर ही नजरबंद किया गया है। मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ कि किसान से लड़कर कभी जीत नहीं पाएगी, या तो तीनों काले कानूनों को वापस ले, नहीं तो किसान का बहुत बड़ा उग्र रूप देखेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।